दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज आपके लिए मैं बता रहा हूँ एक नई वैकेंसी कि अगर आप MSW है या अगर आपने कंप्यूटर में अगर आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है या फिर आप स्नातक हैं तो आपके लिए राजस्थान सरकार की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास विभाग में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं जो विज्ञापन है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये वेबसाइट जो है आपको किस तरीके से आपको आवेदन करना है उसकी जो पूरी प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ, और जो विज्ञप्ति है उस विज्ञप्ति में क्या क्या नियम शर्तें और किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखिए सबसे पहले तो जो न्यूज़पेपर में जो वैकेंसी डाली गई थी उसके बारे में हम यहाँ से देख सकते हैं। तो सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी में तो ये जो निम्न कार्यों के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि SDS जो पोस्ट है उसके लिए 40,000 रुपए जो वेतन है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन और कंप्यूटर में कोई डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, आयु सभी में 21 से 40 वर्ष है। SRP के लिए 6 पोस्ट है जिसमें 20,000 रुपए प्रतिमाह है, और इसमें अगर आप स्नातकोत्तर है या फिर MSW है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, कंप्यूटर का डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो अगली पोस्ट है DRP, जिसमें 99 पोस्ट है, 20,000 रुपए इसमें वेतन रहेगा और स्नातक इसमें मांगा गया। कंप्यूटर का डिग्री या डिप्लोमा होता है तो बहुत ज्यादा सही रहता है, फीस बहुत ज्यादा कम है, कोई ज्यादा फीस नहीं है, 100 रुपए, 75 रुपए और 50 रुपए, और आप तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फीस आपको अलग अलग पे करनी होगी। अब हम बात करेंगे कि आगे इसकी जो नियम और शर्तें हैं वो क्या है, किस तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रामीण विकास विभाग है जिसमें ये वैकेंसी जो निकली हुई है, जहां पे आप देख सकते हैं SDS, SRP और DRP के लिए पोस्ट है, योग्यता मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, स्नातकोत्तर, MSW और कंप्यूटर डिप्लोमा, 21 से 40 वर्ष की एज होगी। ऑनलाइन इसके लिए आपको आवेदन करना है और वेबसाइट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं www.socialaudit.rajasthan.gov.in पर, इस पर आपको करना होता है, ऑनलाइन आपको करना है। और मैं इसमें पूरा वीडियो के जरिए भी मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो यहां से आपकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, आपकी फीस जो है 100 रुपए, 75 रुपए और 50 रुपए, मतलब जो कि आप EWS से अगर हैं या जनरल कैटेगरी से हैं या फिर OBC से हैं तो आपका 100 रुपए रहेगा, OBC के लिए 75 है और SC ST के लिए मात्र 50 रुपए, हमेशा के लिए जैसे हमेशा होती है जो फीस कम है। और अगर आप कार्मिक विभाग के प्रपत्र जिनकी 2.5 लाख से कम है तो उनकी जो शुल्क रहेगा वो 50 रुपए ही रहेगा, कि अगर आप EWS हैं तो आप जब फॉर्म भरते समय EWS करें तो वहां पे आपका जो शुल्क रहेगा वो 50 रुपए ही रहेगा। तो ज्यादातर जो लोग हैं इसी कैटेगरी में आते हैं, आयु जो है 21 से 40 वर्ष है, योग्यता मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि 21 से 40 वर्ष, आप कोई राजकीय अधिकारी नहीं होनी चाहिए, आपके पास अगर अनुभव है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर्याप्त तो अनुभव होना अनिवार्य है। यहाँ पे जो बड़ी पोस्ट है इसके लिए यहाँ पे भी आपको आवेदन के लिए कोई भी संगठन से आपके पास अगर अनुभव होता है तो ज्यादा अच्छा है। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, इसमें केवल आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, और उस आधार पर अगर आपका जो भी अनुभव होगा, जो आपके प्रमाण पत्र जो चेक किए जाएंगे जिस भी NGO में अगर आपने काम किया है तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और रही बात इसकी कि किस प्रकार से इसमें आवेदन किया जाएगा वो भी मैं बता दूंगा, तो मेरिट जो है आपके जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता में, जैसे कि आपकी 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन और MSW और कंप्यूटर डिप्लोमा में जो भी आपके मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें से फिर छटनी की जाएगी, और उस छटनी करके आपको जो भी उसमें जो टॉप कैटेगरी में जो वरीयता सूची जो बनेगी उसमें से जो सिलेक्टेड लोग होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनका भौतिक सत्यापन होगा और जो नियुक्ति है वो अपने अपने जिले के अकॉर्डिंग और पूरे राजस्थान में दे दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन किस तरह करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि www.socialaudit.rajasthan.gov.in पर आपको विजिट करना है और साइड में कॉर्नर पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आने वाला है और वहां से आपको OTP वगैरह का डिटेल है, तो मैं आपको भी आवेदन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। योग्यता अगर आपने देख ली है तो अपने जो दस्तावेज हैं वो आप तैयार करके रख लें पहले से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, MSW और कंप्यूटर डिप्लोमा और जो भी आपके योग्यता और अनुभव है वो आपको तैयार करके रख लेनी चाहिए, साथ ही अपनी फोटो और आपके जो सिग्नेचर है वो आपको तैयार करके रख लेने चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आवेदन किस तरीके से करना है। जैसे कि सबसे पहले आप देख लें socialauditrajasthan.gov.in पर आपको विजिट करना है। इसके बाद जो आपकी वेबसाइट है जो आपकी यहाँ पर ओपन होगी SSAAT
गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसके बाद यहाँ पे देखना, थोड़ा फास्ट तरीके से वीडियो चलने वाला है, तो आप इसको देखते रहे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और साथ में अप्लाई ऑनलाइन राइट साइड में आपने क्लिक किया है, और उसके बाद अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं या अपना पासवर्ड यहाँ पे बनाएं। तो मैंने ये रजिस्टर आवेदन जो है पहले कर दिया था, तो मैं लॉगिन नाउ कर रहा हूँ, बाकी दिखा दूंगा आपको किस तरीके से करना हो रहेगा। आपको यहाँ पे जैसे अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फीड करना है, उसके बाद आपने जो पासवर्ड जब भी मैंने पहले बना लिया था, इसलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन किया है, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फीस की जो डिटेल है, क्योंकि मैंने तीनों के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे 300 आपको यहाँ पे दिखा रहा है जो फीस जो अमाउंट है। यहाँ पे मेरा मेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन आईडी जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 392 है, वो जो दी हुई है आपको स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन आईडी को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी से आपको आवेदन के लिए बुलाया जाएगा जब आपका इंटरव्यू होगा। तो शुल्क यहाँ पे 300 है, और अभी मैं इसको जैसे पे नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बैक जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल अपना दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे आपका नाम हिंदी में भी जाएगा, और पिताजी का नाम EWS यहाँ से आपको करना है, आर्थिक रूप से पीछे EWS का आपको करना है, और यहाँ पे नाम आ जाएगा, एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर, आपको अपना ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मैंने तीनों पद के लिए अप्लाई कर दिया था, और यहाँ पे राजस्थान के मूल निवासी है, अपना आधार नंबर, वार्ड नंबर डालना है, अपना एरिया डालना है, क्योंकि उसी एरिए में ही आपको सर्वे कार्य जो है आपको करना रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ डाबी डाल दिया है, भूतपूर्व सैनिक नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, एनसीसी नहीं है, राजकीय कर्मचारी नहीं है, सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, और वार्षिक आय मैंने यहाँ पे डाल दी है। और इसके बाद आपको 10th की डिटेल, 12th क्लास की डिटेल, ग्रेजुएशन की डेट, पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि मैंने MSW वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से जो किया हुआ है, उसका रोल नंबर, मतलब जो कि आपका स्कॉलर नंबर जो होता है, वो आपको यहाँ पे फीड करना है। आपकी परसेंटेज आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, जब आप ऑप्टेन मार्क्स में से टोटल मार्क्स अगर आप यहाँ पे डालते हैं, तो अपने आप जो भी परसेंटेज होगी वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। और यहाँ पे आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है 500 KB के अंदर आपको PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट का जो निशान है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे डिटेल फीड कर दी है, यहाँ पे आपका जो पासिंग एक्स है। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है पहले से तैयार करके रख लें, क्योंकि आपके आगे काम आने वाले हैं, तो ये इनको अपलोड करना है। साथ ही साथ में इसमें अगर आपके पास RSCIT है या कोई MCA, जैसे कि मैंने MCA किया हुआ है, तो कंप्यूटर डिप्लोमा मैंने यहाँ फीड कर दिया है, साइन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, फोटो मैंने फीड कर दी थी, और यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं आप, बिल्कुल पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो बहुत ही छोटा प्रोसेस है, कोई ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप किसी भी बैंक से या एग्रीगेटर या कोई भी पेमेंट सर्विसेज को अगर आप यूज में लेके 300 का पेमेंट कर रहे हैं, तो मैं अभी इसका पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको बताने के लिए मैंने किया है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो मैंने एक सैंपल वीडियो जो बनाया है, इसलिए आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप इसके बारे में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आप चैनल के सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको MSW से रिलेटेड इस तरह की जानकारी और देता रहूंगा। और MSW के अगर आप असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वगैरह का अगर आप कोई भी हेल्प चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट बनवाना हो, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से MSW कर रहे हैं या BSW कर रहे हैं या PGDGC कर रहे हैं, तो आपके जो प्रोजेक्ट में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताएं। विज्ञप्ति जो है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ये, कि आप जैसे कि देख पा रहे हैं। और अपने इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। ओके दोस्तों।